छत्तीसगढ़ की सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी होती दिखाई दे रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव रिजल्ट के पहले एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में इस बार कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन वह बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। News24 और चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हालांकि वोट शेयर में दोनों पार्टी के बीच ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। अभी यहां कांग्रेस की सरकार है। News24 और चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 57 सीटें मिलने का अनुमान है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 विधानसभा सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी के खाते में 33 सीटें मिलने का अनुमान है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को बस्तर और सुरगजा क्षेत्र में बड़ा नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 40% वोट बीजेपी को दिया है। कांग्रेस के खाते में 45% वोट जाते नजर आ रहे हैं, वहीं 15% वोट अन्य के हिस्से में आते हुए दिखाई दे रहे हैं।